हाय फ्रेंड्स, आज 17 सितंबर 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। आई होप यह क्लास आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी और यदि किसी आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास उसमें आपकी निश्चित ही हेल्प करेगी और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। और इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप NTPC, UPSC, SSC, MTS और अन्य किसी स्टेट की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो से आपको उसमें निश्चित ही हेल्प मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक में महंगाई बढ़कर अगस्त 2021 में कितने परसेंट हुई है? ए ऑप्शन है 11.39%, बी ऑप्शन है 10.5%, सी ऑप्शन है 11.4%, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 11.39%, इसका राइट आंसर है। थोक मूल्य सूचकांक अगस्त 2021 में मामूली बढ़कर 11.39% हो गया है, जो जुलाई 2021 में 11.16% था। यह डेटा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। प्राथमिक उत्पाद समूह में खाद्य सामग्री और निर्मित उत्पाद समूह में खाद्य उत्पाद युक्त सूचकांक जुलाई 2021 में बढ़कर 159.6 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ग्रुप ने डिजिटल म्यूचुअल फंड पर रेट शुरू करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है टाटा ग्रुप, बी ऑप्शन है अदानी ग्रुप, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है टाटा ग्रुप, इसका राइट आंसर है। टाटा ग्रुप की प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी टाटा कैपिटल लिमिटेड ने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स शुरू करने की घोषणा की है। यह एक उद्यम प्रथम एंड टू एंड डिजिटल पेशकश है और यह कस्टमर्स को 5 लाख से 10 करोड़ तक त्वरित परेशानी मुक्त ऋण का लाभ उठा सकते हैं। यह घोषणा की है टाटा ग्रुप की एक वित्तीय कंपनी कैपिटल लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जोमेटो के फाउंडर को इस्तीफा दिया है, उनका नाम है ए ऑप्शन गौरव गुप्ता, बी ऑप्शन सौरव शर्मा, सी ऑप्शन जगदीप चंदन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन गौरव गुप्ता, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चालू वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही कितने राज्यों में पूंजीगत लक्ष्य को हासिल करेगी? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 10, इसका राइट आंसर है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में कुल 10 राज्यों ने पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया है। इसमें यह स्टेट आते हैं बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और उत्तराखंड शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अमेरिका, इसका राइट आंसर है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 सितंबर 2021 को क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है। यह जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी भारत US के 2 ट्रैकों में से एक है। इसे अप्रैल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडन द्वारा जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने UPI और पे नाउ को जोड़ने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है मलेशिया, बी ऑप्शन है चाइना, सी ऑप्शन है कनाडा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है सिंगापुर, इसका राइट आंसर है।
उपयोगकर्ताओं को तत्काल कम लागत वाले फंड ट्रांसफर करने में सक्षम बनाने के लिए भारत और सिंगापुर अपने संबंधित फास्ट पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI और पे नाउ लिंक करेंगे। इसके अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने तेजी भुगतान प्रणाली को जोड़ने के लिए यह परियोजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ ग्रह को गर्म करने वाली मीथेन को कम करने के लिए एक वैश्विक समझौता किया है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है यूरोपीय संघ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है भारत, इसका राइट आंसर है। बात करते हैं यूरोपीय संघ की, तो इसमें 28 राष्ट्र आते हैं और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इस दशक के अंत तक ग्रह को गर्म करने वाली मीथेन के उत्सर्जन में लगभग एक तिहाई कटौती करने के लक्ष्य पर सहमत हुए हैं और वे अन्य प्रमुख आवश्यकताओं के अनुसार इसे प्रेरित कर रहे हैं। ग्लोबल मीथेन प्लेज के एक मसौदे के अनुसार वे 2020 स्तर की तुलना में 2030 तक मानव जनित मीथेन उत्सर्जन को कम से कम 30% कम करने के लिए एक संयुक्त प्रतिज्ञा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 सावरेन तक के गहनों के ऋण को रद्द करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु सरकार ने सहकारी बैंकों में 5 सावरेन तक के गहनों के ऋण को रद्द करने का निर्णय लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप 6,000 करोड़ रुपया खर्च आया है। यह उन लोगों के ऋण देने में हेराफेरी के कारण हुआ है जो इसके लायक नहीं है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है MK स्टोलिन और गवर्नर है RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग डिवीजन के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी लिक्विड विदेशी ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग डिवीजन के माध्यम से वैश्विक स्तर पर व्यापारिक कॉरपोरेट्स में से एक के साथ $1.5 बिलियन की कुल सिंडिकेट सुविधाओं के लिए एक सस्टेनेबिलिटी लिक्विड ऋण प्राप्त किया है। बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन है राजकिरण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाया है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% से बढ़ाकर 40% आरक्षण कर दिया है। राज्य सरकार आवश्यक संशोधन इसमें लाएगी। राज्य सरकार तमिलनाडु ने लोक सेवा आयोग और शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से रिक्तियों को भरते समय क्षेत्रीय आरक्षण प्रदान कर रही है। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है MK स्टोलिन। इसके अलावा तमिलनाडु में अम्मा सीमेंट योजना की शुरुआत की गई है और इसके प्रमुख त्यौहार हैं नौका पर्व और पोंगल और यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर और मंदिरों की पुण्यभूमि भी तमिलनाडु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में नई पुलिस आयोग का गठन किया जाएगा? ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु सरकार पुलिस की मांगों और ज़रूरतों को जानने के लिए एक नया पुलिस आयोग गठित करेगी। इसका गठन पुलिस जनता और के बीच संबंधों को मजबूत करने के तरीकों से किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने 700 दोषियों को भी रिहा करेगी जो लंबे समय से सजा काट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? ए ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, बी ऑप्शन है साउथ कोरिया, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है चाइना। इसका राइट आंसर है नॉर्थ कोरिया, इसका राइट आंसर है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योयोंग और करेंसी है वोन और यहाँ के राष्ट्रपति है किंग जोंग उन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएनओ ने किस देश के लिए $600 बिलियन देश को जुटाने की मांग कर रहा है? ए ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है ईरान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान, इसका राइट आंसर है। अफगानिस्तान ने यूएनओ से $6,000 मिलियन की मांग रखी है। इसके अलावा बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में भी तालिबान का कब्जा हो चुका है और संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान के लिए सहायता के लिए $600 मिलियन से अधिक जुटाने की मांग कर रहा है। इसने यह भी चेतावनी दी है कि देश एक बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान से अपील की है कि वह सहायता कर्मियों को आबाद पहुँचान प्रदान करें। बहुत से लोगों के पास सितंबर 2021 के अंत तक भोजन की कमी हो सकती है, यह घोषणा की है यूएनओ ने। इसके अलावा बात करते हैं यूएनओ की, तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ है? ए ऑप्शन है बेंगलोर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है गुवाहाटी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है गुवाहाटी, इसका राइट आंसर है। और गुवाहाटी है असम में। पूर्वोत्तर राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन 13 सितंबर 2021 को गुवाहाटी में शुरू हुआ है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है। यह सम्मेलन विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, क्षेत्र की राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ उद्योग के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया है। अब बात करते हैं असम की, असम है गुवाहाटी है असम में और असम की राजधानी है दिसपुर और असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।